बात क्या होता है, बच्चे बेघर हो जाते हैं। यानी एक बहुत लंबा सिलसिला जो आज यूरोप और अमरीका में एक लंबा सिलसिला क्या, फैमिली सिस्टम बिल्कुल तबाह है, क्योंकि वहां पर किसी घर में किसी एक को बड़ा नहीं बनाया गया। जिस एरिया में, जिस समाज में कोई अमीर नहीं होता, जहां पर कोई लीडर नहीं होता, तो वो एरिया क्या होता, दरहम बरहम हो जाता है। अब दोनों में से किसी एक को तो लीडर बनाना चाहिए, तो इस्लाम क्या करता है, ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस्लाम ये कहता है ठीक है, मर्द को लीडर बना दिया गया और औरत से फाइनेंशियल जिम्मेदारी हटा ली गई, तो कहा ठीक है तुम लीडर हो घर में, क्योंकि तुमको अल्लाह ने ताकत दी है, तुम ताकत के जरिए से घर के अंदर, याद रखो तुम इस बुनियाद पर तुमको कवाम बनाया जा रहा है क्योंकि तुमको खर्चा करना है। औरत इस्लाम में खर्चा करने की जिम्मेदार नहीं है, इस्लाम में मर्द खर्चा करने का जिम्मेदार है। जबकि दुनिया में हम देखते हैं औरत भी कमाना जरूरी है, मर्द भी कमाना जरूरी है, लेकिन इस्लाम में एतबार से औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई औरत इस्लाम के हदूद में रहकर कमा लेती है और शौहर को देती है, बच्चों को देती है, तो उसका एहसान समझा जाएगा, औरत के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मर्द को घर के अंदर लीडर बना दिया गया। अब ये लीडर जो बनाया गया है, अब यहाँ पर मर्द से क्या कहा जा रहा है, देखिए अगर ये लीडर है, पैसा लगा रहा है, औरत को पैसा दे रहा है, और उसके बदले में इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम उससे सर्विस लो, तुमने शादी की, तुम्हारी जिम्मेदारी है बस उसके ऊपर खर्चा करना है,